दोस्तों, YouTube चैनल सुल्तान सिंह पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है सोलर पैनल्स लाइफ स्पान। मैं आपको बताता हूँ कि सोलर पैनल का लाइफ स्पान कितना होता है। ये आप देख रहे हैं सोलर पैनल है, ये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर रील का बना हुआ है। आप इसको देख सकते हैं 523516, ये इसका सीरियल नंबर है। इसका पता कर सकते हैं कब का मैन्युफैक्चर हुआ हुआ है। ये 95 में मैंने जयपुर से ख़रीदा था। ये आप देख रहे हैं इसके साथ में ये सोलर लालटेन, ये छोटा पैनल है। उस समय के हिसाब से 5-4 वाट का पैनल था, ये मुश्किल से इस लालटेन के लिए था। 3 घंटे ये आराम से ये लाइट जल सकती थी, सोलर लालटेन। ये जो प्लग है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी होती थी। ये मैंने तार निकाल रखे हैं, बैटरी ख़त्म हो गई है इसकी, डिस्चार्ज हो गई। 2-3 बार मैंने बदली इसकी, 3-4 बार। अभी इसमें कोई बैटरी नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए खाली है बैटरी कंपार्टमेंट इसका, इसमें कोई बैटरी इस समय नहीं है। ये तार मैंने इसलिए निकाले हुए हैं कि कोई 12 वोल्ट के सोर्स से इसको जला सको। ये 95 का लिया हुआ है और अब 2019 की साल चल रही है, यानी 24 साल पहले का ये सोलर पैनल है। 24 साल पहले ये बना था और तब से ये वर्क कर रहा है। इसको लालटेन को आज भी अब बिना बैटरी के आप जलाएंगे तो भी जलती है। देखिए ये जो है ये सोलर पैनल है, इसमें ये पीछे ये देखिए मैंने जो तार जोड़े हुए हैं सीधे जोड़े हैं इसीलिए, ताकि ये पैनल से डायरेक्ट ही आपको जो है ये मैंने इस केबल के ज़रिए, ये इतनी बड़ी केबल है कि ऊपर छत पर पैनल हो तो नीचे कमरे में आराम से ये प्लग पहुंच जाता है और वहाँ पर ये सोलर लालटेन रहती है। दिन में इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और शाम को इसको प्लग को निकाल कर इसे अलग से निकाल के और उसके बाद आराम से इस लालटेन को हम घर में कहीं भी ले जा सकते हैं, इधर उधर काम ले सकते हैं। ये तार मैंने इसका पैनल के पीछे ऐसे जोड़ के लाए हुए हैं और ये इसमें बैठ इसके पीछे मैंने ये लगा दिया है। तो ये लालटेन को मैं देखिए ऑन करता हूँ, ये स्विच ऑन करता हूँ, ये देखिए लाइट जल रही है। अब शाम हो गई है इसलिए बिजली का उत्पादन काफ़ी कम हो गया है, फिर भी आप देख रहे हैं। ये देखिए ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। अभी तेज़ रोशनी में है इसलिए दिख नहीं रही है CFL। ये 6 वाट की CFL है, ये तेज़ रोशनी है, दिन की बाहर की धूप है, इसमें तेज़ रोशनी में दिखती नहीं है। पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये इसी पैनल से जल रही है। इसका मैं देखिए ये पीछे से निकालता हूँ प्लग, ये देखिए ऑफ, ये देखिए जला दिया मैंने। तो इस तरह से ये 24 साल बाद भी वैसा ही वर्क कर रहा है। अब ये देखते हैं कि इससे कितने वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। तो ये जो इसका प्लग है जिसमें इसकी सप्लाई आ रही है, इसको मैं देखता हूँ मल्टीमीटर से, हम चेक करते हैं इसके वोल्टेज चेक करते हैं अभी। ये अभी करंट पे है तो इसकी करंट चेक कर लेते हैं पहले। ये देख रहे हैं आप 0.40 एम्पियर, शाम हो चली है, दोपहर में आधा एम्पियर से ज़्यादा उत्पादन ये करेगा।
और लगभग यही कंडीशन 25 साल पहले थी, 24 साल पहले। अभी वोल्टेज चेक करते हैं हम। ये 20 वोल्ट की रेंज पे है। वोल्ट अभी ये 18.78 ये वोल्टेज ये अभी पैदा कर रहा है, देखें। तो इस तरह से इसकी ये 18 वोल्ट बिजली पैदा करता है और 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करता है। तो ये लगभग यथावत बिजली का उत्पादन अभी भी कर रहा है। 24 साल इसके मैन्युफैक्चरिंग को हो गए हैं। तो इससे पता चलता है कि सोलर पैनल का लाइफ स्पैन लगभग 25 से 30 साल होता ही है। सोलर पैनल्स लाइफ स्पैन इज मोर देन 25 ईयर्स। तो इससे साबित होता है, मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया है कि सोलर पैनल्स का लाइफ स्पैन 25 से 30 साल होता है। कल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनसाइड द सोलर पैनल। कल के अगले वीडियो में मैं आपको इसको खोलकर इसमें क्या क्या आइटम है, क्या होता है, ये आपको दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।